Assalamu alaikum, this is Kainat Rajput. I'm your host and I'm telling you some videos about makeup. हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है और बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम तो मुझे किसी पार्टी पे जाना है, एनी ओकेजन बर्थडे पार्टी है और मुझे 5 मिनट में रेडी होना है. मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो पहले मैंने अपना फेस अच्छे तरीके से वॉश कर लिया. फेस वॉश करने के बाद आपके पास कोई भी लोशन आप उसको यूज़ करेंगे, देन उसको अपने फेस पर आप लोग अप्लाई करेंगे. मॉइस्चराइजिंग के लिए आपका फेस नीट एंड क्लीन हो ताकि आप इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बीबी क्रीम या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके फेस पे सही आपको नीट करे आपके फेस को. तो ये मैंने हल्का सा लगा लिया अपने फेस पे. तो लोशन लगाने के बाद मैं, कोई भी आप लोग बीबी क्रीम यूज़ कर लें, कोई भी आपके पास फाउंडेशन आप वो यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास बीबी क्रीम है तो मैं ये बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. तो नेचुरल लुक लें क्योंकि बिकॉज नेचुरल लुक इज़ वेरी गुड. तो ये हल्का सा हम लोग इसको अपने फेस पे लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से आप लोगों ने लगाना है. तो मैं ये थोड़ा सा अपने फेस पे लगा रही हूँ. अपनी मर्जी से आप लोग लगाएं, आपके फेस का कलर कैसा है तो ये आप पे डिपेंड करता है. तो ये मैंने बीबी क्रीम अपने फेस पे अप्लाई की. अच्छी तरह से रब करेंगे अपने फेस पे ताकि आपका फेस, अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे ताकि पूरी एक स्टेज बन जाए आपके फेस पे. ये देखें, ये मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया. डन. फेस पे अप्लाई करने के बाद हम अपने मेकअप अप्लाई करूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स होती हैं जो अपने, उनका फेस का कलर कुछ और होता है और उनकी नेक का कलर कुछ और होता है. दैट इज़ नॉट गुड. ठीक है, तो ये देखिए मैंने अपने पूरे फेस का एक कलर कर लिया. और आप लोग कोई भी फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम यूज़ करें तो आपका एक कलर डल लें, वो आपके कलर कम्प्लेक्शन को और इन्हेंस करता है, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है. तो अब मैं डार्क सर्कल्स के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. आप लोग कोई भी प्रोडक्ट का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. तो ये मैंने कंसीलर यूज़ किया. कंसीलर को यूज़ करने के बाद कंसीलर को अच्छी तरह से रब किया ताकि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं छुप जाए. कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मेकअप की चीज़ ले रहे हैं तो उसकी सबसे पहले एक्सपायरी डेट देखें. उसकी वजह यह है कि हमारी स्किन डैमेज हो सकती है. तो कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें क्या करना है. देन कोई भी आपके पास आई शेडो है वो आप यूज़ करेंगे. ये देखें मेरे पास ये आई शेडो है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे ब्रांड की. देन कोई भी कलर लाइट सा अपनी आई पे अप्लाई करेंगे हम. आप लोग कोई भी अप्लाई. लाइट सा अप्लाई करेंगे. लाइट सा. देन आप लोग जितना अपने हैंड से मेकअप करेंगे वो ज्यादा बेस्ट रहेगा. तो ये मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट मस्कारा, इसको हम अपनी आई पे अप्लाई करेंगे. पहले इसको नीचे से फिर देन ऊपर ताकि हमारी जो है लैशेस इनहेंस करें.
नेक्स्ट फाइल पे। मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया अपने आई पे। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप लिपस्टिक। हम लोग आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है और आपके पास अगर कोई भी ब्लशर वगैरह या कोई चीज़ नहीं मौजूद तो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ये ग्लोस था तो इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसको अपने हाथ से हम रब करेंगे, ये हमें लशन का काम देगा, हमारे फेस की एक लुक अच्छी आ जाए। एक उसकी लोग अपनी जो लाइन से लास्ट स्टेप हमारा लिपस्टिक। हम लोग लिपस्टिक यूज करेंगे। आप लोग कोई भी जो आपको लिपस्टिक पसंद हो, कलर कोई भी, वो आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। बाद में ग्लॉस अप्लाई करेंगे। Get set ready. अब हम अपने हेयर्स को करेंगे। मैं पहले ही कॉम कर चुकी हूँ, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हेयर्स को कॉम कर लेंगे हम। Also, you like this video and comment, subscribe this channel. और next video के बारे में बताएं, comment करें, मुझे feedback दें कि आपको मेरी ये video कैसी लगी है। Next मैं आपकी favorite videos आपको upload करूँगी और साथ साथ आप मुझे बताते जाएं आपको मेरी video कैसी लगती है। Thank you for watching this video. Love you. Thanks.